फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर। प्रिफरेंस शेयर कितने तरीके के होते हैं, इसका मीनिंग, इसका करेक्टरिस्टिक्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी को भी देखना हो तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकता है। देखिए, इसमें फर्स्ट होता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर। देखिए, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर क्या होता है, ऐसे शेयर जो कि एक सर्टेन डेट, उनका डेट फिक्स कर दिया जाता है, सपोज करिए 5 साल, तो 5 साल के बाद उनका पैसा हम उनको वापस कर देते हैं, तो ऐसे शेयर्स को हम रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर बोलते हैं। इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर किसको बोलते हैं, जो कि पूरी लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी तक उनका पैसा हम लोग वापस नहीं करते, तो ऐसे शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर। नेक्स्ट है आपको पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब देखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी कंपनी में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है, तो वो उनको बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग उनको बोलते हैं, चाहे कंपनी में जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इनका जो डिविडेंड फिक्स्ड है उनको उतना ही डिविडेंड मिलेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर्स क्या होता है, ऐसे शेयर्स जो कि अपने शेयर्स को, प्रिफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर। लेकिन ऐसे शेयर्स जो कि अपने प्रिफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर। नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर। देखिए, ये शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आजकल पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो इशू करती है क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर। ये क्यों इशू करती है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, डाइवर्सिफिकेशन हो सके, कोई अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, तो इसलिए वो इस टाइप का प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव एंड नॉन कम्यूटेटिव। देखिए, कम्यूटेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कि अगर किसी भी साल लॉस हो चाहे प्रॉफिट ना हो, लेकिन फिर भी इनको इनका जो डिविडेंड है फिक्स किया गया है वो तो इनको मिलेगा ही, तो ऐसे शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन नॉन कम्यूटेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर, सपोज करिए अगर किसी साल कंपनी को लॉस हो गया या प्रॉफिट नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगी, उस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, तो वो क्या करेंगे, इनका कोई हक नहीं होता है कि ये जाके अपना डिविडेंड मांग सकते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव में होता है कि वो भले वो डिविडेंड डिक्लेयर करे कंपनी चाहे ना करे, लेकिन इनका हक है डिविडेंड लेने का, तो ये अपना डिविडेंड लेंगे ही लेंगे, तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव बोलते हैं। और ये अपना डिविडेंड नहीं ले सकते, सपोज करिए किसी साल अपना कंपनी नहीं इश्यू की, डिविडेंड शेयर नहीं देगी डिविडेंड, तो वो क्या करेंगे, इनका कोई हक नहीं है डिविडेंड मांगने का, तो ये अलग अलग तरीके के प्रिफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। फॉर मोर PDF नोट्स सी माई डिस्क्रिप्शन।